हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के स्टॉक के बारे में। दोस्तों, आज आपको देखने को मिला फिर ट्राइडेंट के अंदर अपर सर्किट लग गया एंड स्टॉक के अंदर जो तेज़ी है वो लगातार आपको कायम रहती हुई देखने को मिल रही है। लगातार फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा ट्राइडेंट के स्टॉक के अंदर बिकवाली नहीं हो आ रही है एंड स्टॉक के अंदर जो तेज़ी है वो लगातार और तेज़ आपको होती हुई देखने को मिल रही है। जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि 30 रुपये का लेवल तो आप मान के चलिए आपको 100% आता हुआ देखने को मिलेगा, और आज फ्रेंड्स 30 रुपये का लेवल आपको आता हुआ देखने को मिल गया। तो फ्रेंड्स, जो अपर सर्किट अभी आपको लगता हुआ देखने को मिल रहा है, ये कहाँ तक सस्टेन रहेगा? क्या अभी भी फ्रेश बाइंग हम कर सकते हैं ट्राइडेंट के ऊपर? क्योंकि पिछले जब मैंने वीडियो डाला था तो उसमें काफ़ी लोगों के कमेंट्स निकल के आए थे कि सर क्या आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, तो इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे। और काफ़ी लोगों के कमेंट्स एक और चीज़ पर निकल के आ रहे थे, वो है बोनस। देखिए, बोनस क्या सही में कंपनी इस बार अनाउंस कर सकती है Q2 के रिजल्ट्स के अंदर? क्या आप मान के चलिए आपको बोनस मिलने वाला है? बिकॉज काफ़ी कुछ आपको इसके बारे में आता हुआ देखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ खबरें यहाँ पे आती हुई देखने को मिलेगी, तो सब कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल से फर्स्ट टाइम अगर आप जुड़ें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगता है तो वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, ट्राइडेंट बेहतरीन तेजी करता हुआ अभी आपको देखने को मिल रहा है। 30 रुपये 85 पैसे पे आज आपको देखिए क्लोजिंग दिया है, 1.45 बढ़ा है, करीबन 5% जो सर्किट लगता है फ्रेंड्स वो ये आपको लगता हुआ देखने को मिला। एंड लगातार दोस्तों अभी आपको देखने को मिलेगा ट्राइडेंट के स्टॉक के अंदर बड़ी तेज़ी हो रही है। लास्ट 1 मंथ के अंदर ट्राइडेंट करीबन 30% के आसपास का आपको एक सर्ज दिखा चुका है। एंड ये फ्रेंड्स सर्ज जो आपको आता हुआ देखने को मिला है, जो बढ़त आती हुई देखने को मिली है, ये अपने आप में फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, काफ़ी बड़ी बात है। बिकॉज आपको देखने को मिलेगा जो तेज़ी स्टॉक ने दिखाई वो प्योर कंसोलिडेशन के बाद दिखाई है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एक फॉल्स तेज़ी होती है जब स्टॉक आपको एकदम से ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता है, लेकिन ट्राइडेंट के केस में क्या हुआ है, ये जो फॉल्स तेज़ी है वो कहीं भी आपको आती हुई देखने को नहीं मिली है। स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा पहले क्या मूव आता था, पहले ऐसे धीरे धीरे करके मूव आया, फिर आपको देखने को मिला स्टॉक धीरे धीरे के ऊपर चढ़ना चालू कर रहा है। तो ये जो तेज़ी आ रही है फॉल्स तेज़ी नहीं है, बिल्कुल सही तेज़ी है, जो पूरा कंसोलिडेशन है उसका ब्रेकआउट आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ब्रेकआउट क्यों आ रहा है, देखिए ब्रेकआउट की 3 वजह जो इंपॉर्टेंट थी वो आपको मैंने पहले ही बताई थी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे रेटिंग एजेंसी का रेटिंग बदलना, जिस तरह से फ्रेंड्स रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग बदली वो डेफिनेटली अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बिकॉज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगर रेटिंग एजेंसी सही यहाँ पे कंपनी को रेटिंग्स देती है तो उसका डायरेक्ट जो इफेक्ट होता है वो शेयर होल्डर पे आता है। और आपको देखने को मिलेगा लगातार बल्क डील्स भी आपको काफ़ी होती हुई देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर, जो एक और एक बड़ा पॉजिटिव है। एंड पॉजिटिव्स की बात करूँ तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स अपने आप में काफ़ी क्रूशल होते हैं। अपने फाइनेंशियल्स आपको हमेशा बता देते कि कंपनी किस तरह कर रही है। और 1945% का देखिए सर्ज कोई मामूली बात नहीं है, इतना बड़ा सर्ज आपको काफ़ी कम शेयर्स में आता हुआ देखने को मिलता है, और ट्राइडेंट के अंदर अगर आता हुआ देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। और बड़ी बात है तो देखिए इसका इफेक्ट आपको डेफिनेटली स्टॉक पर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, एंड वही आपको इफेक्ट स्टॉक पर आता हुआ देखने को मिल रहा है। आप कोई भी कंपनी के अंदर निवेश कर रहे हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन में 875% की बढ़त, ऑपरेटिंग इनकम में 735% की बढ़त, कंपनी का EPS लगातार बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में इंक्रीज़ आ रहा है। तो फ्रेंड्स नेगेटिव पॉइंट अगर आप देखेंगे ट्राइडेंट में ढूंढने का तो वो कोई भी नेगेटिव पॉइंट आपके पास नहीं है, जो एक बिल्कुल सच बात है। बिकॉज याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो कंपनी इतने बढ़िया फाइनेंशियल्स प्रोवाइड कर सकती है, अभी जब कंपनी के देखिए नंबर्स निकल के आए थे सेप्टेम्बर के, जो कंपनी के प्रोडक्शन का आंकड़ा निकल के आया था वो खुद अपने आप में काफ़ी क्रूशियल था। तो ये सब कुछ दोस्तों जो भी आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है ये बहुत बढ़िया होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब जब अक्टूबर सीरीज़ के प्रोडक्शन के आंकड़े निकल के आएंगे तो ये एक और देखिए पॉजिटिव ला सकता है। बिकॉज जिस तरह से आपको देखने को मिलेगा कोविड का डर काफ़ी कम हो चुका है एंड लोग अब यहाँ पे आपको और बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं, एंड बाइंग अगर होगी तो साफ साफ कंपनी को अपना प्रोडक्शन और बढ़ाना पड़ेगा एंड डेफिनेटली ट्राइडेंट ने वो किया होगा। तो अभी आप मान के चलिए कि यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट अगर आप कोई ढूंढ रहे तो वो नेगेटिव पॉइंट अभी आपको आता हुआ देखने को नहीं मिलने वाला है। अब एक और खबर निकल के आई थी फ्रेंड्स, आज कंपनी ने आज प्रेस रिलीज के द्वारा देखिए बताया है, जो यहाँ पे इंटीमेशन है रिकॉर्ड डेट का जो यहाँ पे होगा, कंपनी ने पहले जो आपको ये लेते हुए देखने को मिली थी डिबेंचर्स, उसका जो इंटरेस्ट है उसको दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने पेड कर दिया है, और पेड करने के लिए भी एक डेट निकाली है, वो है 16th of October। तो ये आपको होता हुआ देखने को मिलने वाला है। ये क्रूशियल क्यों है, बिकॉज जो भी देखिए कंपनी करती है उसका पहले कंपनी को आधिकारिक बताना देता है,
और वो दोस्तों यहाँ पे कंपनी के द्वारा बता दिया गया है जो डिबेंचर्स है इंटरेस्ट का वो साफ साफ दोस्तों कंपनी यहाँ पे पेड करती हुई देखने को मिलेगी। और ये डिबेंचर्स दोस्तों आपको 16 तारीख को पेड होते हुए देखने को मिलेंगे और डिबेंचर्स जो पेड है उसका वो इंटरेस्ट कंपनी पे करने जा रही है। तो ये सब कुछ दोस्तों कंपनी ने बता रखा है, यानी कंपनी ने जो जो कहा है उसके बारे में बिल्कुल यहाँ पे कर रही है काम और वो डेफिनेटली अपने आप में फ्रेंड्स काफ़ी क्रूशल है। आपको देखना होगा कंपनी किस तरह से आगे काम करती जाएगी, वैसे ही देखिए स्टॉक बढ़िया करता जाएगा। इन लगातार आपको देखने को मिल रहा है कि कंपनी लगातार बढ़िया कर रही है और ये अपने आप में फ्रेंड्स एक और पॉजिटिव बात है। कंपनी बढ़िया करेगी तभी देखिए कंपनी अपने बिजनेस को और बढ़ाने के बारे में सोचेगी। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं बोनस के ऊपर, क्या सही में ट्राइडेंट बोनस इशू करने वाली है। इसके बारे में देखिए पिछली वीडियो में मैंने बात किया था, काफ़ी लोगों के फिर डाउट्स निकल के इसलिए देखिए इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स बोनस क्या कंपनी इशू कर सकती है, तो डेफिनेटली मैं आपको कहूँगा हाँ कर सकती है। कंपनी की तरफ से याद रखिएगा कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि मैं आपको बता दूँ कि हाँ कंपनी की तरफ से अनाउंस हो चुका है। कंपनी की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है एंड ये कोई 100% भी नहीं कि देखिए कंपनी बोनस देने वाली है। बट जिस तरह से देखिए आपको कार्य करता हुआ देखने को मिल रहा है स्टॉक, यानी कंपनी जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से कंपनी बिजनेस अपने एक्सपांड करती हुई नजर आ रही है, मुझे लगता है कि इस बार भी आप मान के चल सकते हैं कि अनडाउटेडली कंपनी एक बड़े प्रॉफिट में आपको रहती हुई देखने को मिलेगी। तो ये भी देखिए बिल्कुल गलत नहीं है कि यहाँ कंपनी प्रॉफिट में रहती हुई देखने को मिलेगी। अब फ्रेंड्स चांसेस दो चीज़ के हैं, देखिए पहला है बोनस का। अब बोनस के चांसेस आप मान के चलिए कि अगर 100% का मैं कहूँ तो उसमें से 40% के चांसेस है, यानी इसके कम चांसेस है। लेकिन हाँ इंटरिम डिविडेंड की बात करूँ तो इंटरिम डिविडेंड दोस्तों यहाँ पे आपको कंपनी देती हुई नज़र आ सकती है, जो चांसेस पूरे पूरे यहाँ पे बन रहे हैं। यानी अगर बात करूँ मैं पूरे 100% की तो यहाँ पे मान के चलिए पूरे 80% चांसेस है कि कंपनी आपको इंटरिम डिविडेंड का अनाउंस करता हुआ देखने को मिले। अब क्यों अनाउंस करते हुए देखने को मिले, बिकॉज जिस तरह से कंपनी बढ़िया कर रही है एज अ गिफ्ट टू शेयर होल्डर्स आपको बहुत कुछ यहाँ पे कंपनी देती हुई नजर आ सकती है। तो हो सकता है कि इंटरिम डिविडेंड के यहाँ पे कंपनी अनाउंसमेंट कर दे। अगर आपको देखने को लगा काफ़ी कंपनी इंटरिम डिविडेंड अनाउंस कर रही है, देखिए स्प्लिट का तो आप कुछ भी वजह बचती नहीं है बिकॉज कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो फ्रेंड्स 1 है, उन 1 से नीचे दोस्तों फेस वैल्यू जाती नहीं है। तो फेस वैल्यू को तो देखिए अब कंपनी नीचे और नहीं कर सकती, इसका मतलब स्प्लिट यहाँ पे ऑप्शन बचता है नहीं। बोनस के भी देखिए चांसेस अगर आप देखेंगे तो जैसा मैंने कहा कि 40% है, यानी आप मान के चलिए कि बोनस नहीं भी मिलता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज कंपनी ने बीच में काफ़ी कुछ अनाउंस कर चुका है। तो बोनस अगर नहीं मिलेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है और जिसके चांसेस भी मान के चलिए थोड़े बहुत कम है। लेकिन हाँ कंपनी आगे चल के बोनस के बारे में कुछ करे तो ये बिल्कुल आप मान के चलिए 100% मान के चलेंगे कि हाँ बोनस के बारे में कुछ करेगी कंपनी। क्योंकि एज अ गिफ्ट अगर आप देखेंगे तो ट्राइडेंट का डिविडेंड जो देती है वो बहुत बड़ा देती है कंपनी। अगर आप देखेंगे शेयर होल्डर्स के बारे में तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स का कैसे ध्यान रखती है। तो ट्राइडेंट एक ऐसी कंपनी है जो अपने शेयर होल्डर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना जानती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत कुछ आपको देखिए कंपनी देती हुई नज़र आएगी। तो जस्ट आपको शेयर को होल्ड करके रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको स्टॉक के अंदर कोई गिरावट देखने को मिले। स्टॉक यहाँ से और बहुत कुछ बढ़िया कर सकता है तो आपको जस्ट होल्ड करके चलना है। आप मान के चलिए यहाँ से स्टॉक के अंदर 40 50 60 आने वाले लेवल्स बहुत कुछ मिलते जाएंगे। बोनस का देखिए सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या होता है कि स्टॉक नीचे आ जाता है और शेयर होल्डर्स को बोनस मिल जाता है, लेकिन स्टॉक प्राइस में देखिए चेंज तो आता ही है। तो यहाँ से भी अगर और बढ़ेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोनस अनाउंस कर देती है तो वो और ठीक है। तो फ्रेंड्स हमको हर चीज़ के लिए यहाँ पे तैयार रहना है और हर चीज़ में यहाँ पे देखेंगे तो सब चीज़ पॉजिटिव है, कोई भी नेगेटिव नहीं है। स्टॉक में कोई क्रैश होने के चांसेस भी बहुत कम है आप मान के चलिए, क्योंकि स्टॉक ने काफ़ी टाइम बिता दिया अपने कंसोलिडेशन वाली जगह पे। तो डेफिनेटली ये कहूँगा आपको होल्ड करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।